वैसे तो फांसी की सजा कोर्ट में बैठे जज सुनाते हैं, लेकिन उसे अंजाम तक एक जल्लाद ही पहुंचाता है। फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले जल्लाद को भी इसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। ऐसा हो भी क्यों ना, अपने ही आंखों के सामने किसी को मारते देखना आसान बात नहीं है, भले ही वह एक अपराधी क्यों ना हो। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक कहानी बताने जा रहे हैं कि कैसे जल्लाद फांसी देने के बाद बेहोश हो गया, वह भी ऐसा जल्लाद जिसके नाम पर सबसे ज्यादा फांसी देने का भारत में रिकॉर्ड दर्ज है। वह फांसी देने के बाद इस्तेमाल की गई रस्सी से लॉकेट बनाने के लिए भी मशहूर था। साल 2004 में रेप और मर्डर के दोषी धनंजय चटर्जी को फांसी की सजा सुनाई गई। इसकी जिम्मेदारी दी गई नाटा मलिक को। कहा जाता है कि नाटा ने अपने बेटे महादेव की मदद से धनंजय के गले में फांसी का फंदा डाला और उसे फांसी पर लटकाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फांसी पर लटकाने के बाद ही नाटा मलिक बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे स्ट्रेचर पर बाहर ले जाना पड़ा था। इतना ही नहीं, कहा फांसी देने के बाद नाटा सदमे में भी चला गया था। अगर पूरी कहानी को तसल्ली से समझें तो इस फांसी के एक दो नहीं बल्कि दो से तीन मायने हैं। पहला मायना यह है कि एक ऐसी फांसी थी जिसको देने के बाद में यह पता चला कि वास्तव में जिसको फांसी दी जानी थी उसको नहीं दी गई, बल्कि उसकी जगह पर एक निर्दोष को फांसी दी गई। और दूसरी यह है कि यह भारत की पहली ऐसी फांसी थी जो किसी महिला के केस में पहली बार दी गई थी। तो आइए जानते हैं एक एक करके इस पूरी कहानी को। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे छोटा सा विनम्र अनुरोध, तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी तमाम कहानियों का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है भवानीपुर। 5 मार्च 1990 को यहीं पर एक लड़की जिसका नाम हेतल पारेख था, उसके साथ भी एक घिनौनी हरकत की गई थी। उसके साथ रेप हुआ था और हत्या कर दी गई थी। उसके दोषी धनंजय चटर्जी को 14 अगस्त 2004 में अलीपुर के सेंट्रल जेल में फांसी के तख्ते पर लटकाया गया था। दरअसल हेतल पारेख एक 10वीं की छात्रा थी जो कोलकाता में अपने माँ बाप के साथ भवानीपुर के एक अपार्टमेंट में तीसरे फ्लोर पर रहती थी। सामने वाले अपार्टमेंट में गुजराती एक टीचर थे, जो वो अक्सर पढ़ाई में मदद लेने जाया करती थी। उसके बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे तो टेस्ट वगैरह की जांच करवाने अक्सर उनके पास जाया करती थी। 5 मार्च 1990 को भी वह एग्जाम देकर वापस आई थी और उसके बाद अपने कोचिंग के टीचर से कॉपी चेक करवाने गई थी। वह घर पर नहीं मिले तो वह अपने टीचर के घर से अपने घर वापस आ गई। इसके बाद शाम में उसकी माँ मंदिर गई। जब वह लौटी तो घर का दरवाजा बंद था। कई बार खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो माँ ने चिल्लाकर लोगों को बुलाया और दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा तोड़ने पर माँ और अन्य लोगों ने देखा कि हेतल की डेड बॉडी पड़ी है। उसके शरीर पर टोटल 21 घाव थे। जब हत्या के बाद सोसाइटी ने जांच शुरू की तो जांच में वही काम करने वाले सोसाइटी के गार्ड धनंजय की तरफ इशारा गया। उस दिन उसकी ड्यूटी 2 बजे खत्म हो रही थी, लेकिन उसे शाम 5 बजे तक वहीं देखा गया। कई लोगों ने उसे हेतल की बालकनी में होने के बारे में भी बताया था। वहां के लिफ्ट मैन ने भी अपनी गवाही में उसके हेतल वाले फ्लोर पर होने की बात कही थी। इसके बाद धनंजय फरार हो गया था। 2 महीने बाद उसे पुलिस ने पकड़ा। इस प्रकार के केसों में हमेशा जैसे भारत में होता है, केस में भी यही हुआ। काफी लंबा समय लगा। मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में इस केस ने हलचल पैदा कर दी थी। खबरों में कहा गया कि धनंजय ने हेतल की हत्या करने के बाद उसके डेड बॉडी के साथ रेप किया था। 1994 में हाई कोर्ट में अपील करने के बाद धनंजय के केस पर स्टे लग गया था। एक दिन कोर्ट में गलती से दूसरी फाइलों में कुछ खोजबीन करते हुए कुछ लोगों को धनंजय की फाइल मिली। नवंबर 2003 में सवाल फिर उठा कि अब इस बार स्टे क्यों नहीं हटाया जाता।
फिर जल्दबाजी में इस केस को निपटा दिया गया। सन 2004 आते आते धनंजय हर जगह से हिम्मत हार चुका था। आखिर जब राष्ट्रपति ने भी उस पर दया नहीं दिखाई तो जाकर उसे आखिरी में फांसी पर चढ़ाया गया और फांसी देने के बाद से आज तक, उस समय से आज तक इस फांसी की केस पर लगातार विवाद बना हुआ है। सिद्ध लेखकों ने धनंजय चटर्जी की इस फांसी पर बहुत बड़े बड़े सवाल भी उठाए और उन्होंने धनंजय चटर्जी के बारे में कई किताबें भी लिखी। हालांकि भारत की एक ऐसी फांसी थी जिसे फांसी देने के बाद लोगों को लगा कि फांसी वास्तव में जिसको दी जानी थी उसको ना देकर बल्कि एक निर्दोष को फांसी दे दी गई। छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, हम कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलूंगा ऐसी एक नई कहानी लेकर आपसे जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।